URL लिंक, डिलीवरी, एप्लीकेशन डाउनलोड, मोबाइल कूपन्स, उसके बाद QR कोड की भी हम लोग ने बात कर ली थी। इस तरह से QR कोड होते हैं, इसको आप स्कैन करते हो और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आप वो जो भी मार्केटर देना चाहता है उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा ये ज्यादातर पेटीएम वगैरह पर ये QR कोड्स इस तरह से होते हैं, आप पेमेंट कर सकते हो या दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर दिया गया है QR कोड कैन सेंड कस्टमर टू मोबाइल लैंडिंग पेजेस, आपने स्कैन किया और एक लैंडिंग पेज मतलब एक वेबसाइट ओपन होकर आ गई। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है? लैंडिंग पेज, व्हाट इज लैंडिंग पेज? नहीं कोई नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। लैंडिंग पेज से मतलब है जब आप कोई लिंक जो पे क्लिक करते हो, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है दैट इज लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके बाद वीडियोस आपने जो है स्कैन किया QR कोड को और एक वीडियो ओपन हो गया, वीडियो वीडियो के जो भी इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंच गई। उसके बाद सोशल मीडिया साइट पर आप जो है आप अपनी सोशल मीडिया जो भी प्रोफाइल है जो भी पेजेस हैं उनको आप QR कोड के हेल्प से आप उनको शेयर कर सकते हो। कूपन्स, डिस्काउंट, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, तो ये सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप QR कोड की हेल्प से आप अपने कस्टमर के पास पहुंचा सकते हो। उसके बाद मैसेजिंग ऐप, जहां पे मैंने बात की थी, जो मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, फेसबुक मैसेंजर्स हो गए, उसके बाद स्नैपचैट हो गया, ये सारे मैसेजिंग ऐप्स हैं। ठीक है, इनको कैसे आप यूज कर सकते हो? थिंक ऑफ स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, स्टैटिस्टिक्स शोज दैट 6 ऑफ द टॉप 10 मोस्ट यूज्ड ऐप आर मैसेजिंग ऐप्स। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो 10 में से 6 लोग, मतलब 6 टॉप जो 6 जो एप्स है वो है मैसेजिंग एप्स हैं। ठीक है, मैसेजिंग ऐप विल टेक ओवर सोशल नेटवर्क इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स बिकॉज इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप आर प्राइवेट एज कम्पेयर टू सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब टेक ओवर, अभी मुझे लगता है टेक ओवर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लोग ज्यादा यूज करते हैं व्हाट्सएप को इन कंपेरिजन टू फेसबुक। People prefer messaging app, marketers will use, अब किस तरह से marketer एक use कर सकते हैं, will use messaging app to connect with their customers to an individual level, हर एक को individual level पे आप connect कर सकते हो, उससे उनको communicate कर सकते हो। ठीक है, उनको customized message दे सकते हैं। Instant messaging app will help, sorry, will become the connection medium for the of the future. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोबाइल पॉपअप्स, जैसे कि आप लोगों को शायद पता ही हो, पॉपअप्स मतलब जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके साथ में अगर कोई विंडो ओपन होती है जिसको आप नहीं चाहते थे ओपन करना लेकिन वो ओपन हो जाती है, दैट इज पॉपअप्स। ठीक है, तो आप उस तरह से भी प्रमोशन किया जा सकता है। कैसे? आपको उस वेबसाइट को पे करना पड़ेगा, फिर वो वेबसाइट जैसे ही वो ओपन होगी उसके कई उस वो विंडो आपका ओपन हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, उसके उस वेबसाइट के ओपन होते ही, पर लेकिन ये पॉपअप्स जो होते हैं वो आपके SEO के लिए नहीं सही होते, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं सही होते। गूगल हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इट डज नॉट लाइक मोबाइल पॉपअप्स, इट हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट वेबसाइट दैट वर यूजिंग मोबाइल पॉपअप्स। वेबसाइट दैट यूज पॉपअप्स ऑन mobile are not appreciated and will likely lose their search engine ranking. ठीक है, जो भी वेबसाइट पॉपअप्स यूज करते हैं उनकी उनकी जो रैंकिंग है उस पे इफेक्ट पड़ता है। गूगल ने मतलब गूगल मैंने बताया था ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग कैसी होगी सर्च इंजन। आपके जो जब भी कोई कीवर्ड, कोई आपका कस्टमर कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रहा होता है तो उसमें आपकी जैसे जैसे रैंकिंग जो है बेटर होगी वैसे वैसे उसके फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट रैंक पे डिस्प्ले होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर पॉपअप्स आपने यूज कर रहे हो तो जो है उससे आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी रैंकिंग जो है लोगों दूसरों के कंपेरिजन में कम हो सकती है, सॉरी दूसरों के कंपेरिजन में ज्यादा हो सकती है। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द करेंट ईयर ऑफ मोबाइल SEO विच ड्राइव्स वैल्यूएबल आउटकम फॉर बिजनेस।
lot marketing applications, it's expected that there will be more than 75 billion connected devices by मतलब अभी तो आ ही गया है 2020, तो इस समय इससे ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, 75 बिलियन से ज्यादा ही होंगे. दिस मीन्स देयर विल बी मोर डिवाइसेस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग बाय 2020 देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट. ठीक है, ये बता रहा है कि इतने सारे लोग मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट जिसको वर्चुअली क्रिएट किया गया है. द मैसिव सक्सेस ऑफ पोकेमॉन, आप लोग ने शायद पोकेमॉन गेम के बारे में जानते हो. वहां पे वो लोग क्या करते थे, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते थे जो एक्चुअली में वो है नहीं. ठीक है, वर्चुअल एनवायरमेंट जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. तो उस तरह से वो भी एक टूल है जिसको आप यूज करके अपना मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो. ठीक है, द मैसिव सक्सेस ऑफ पोकेमॉन गो मीन्स अ लॉट ऑफ मोबाइल मार्केटर्स एंड सो डज स्नैपचैट्स ऑगमेंटेड रियलिटी लेंसेज भी होते हैं. ठीक है, आप लोगों ने स्नैपचैट यूज किया होगा, वहां भी ये चीज है. इट्स एक्सपेक्टेड दैट ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी विल स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल मार्केटिंग. फोर्ब्स सेज दैट ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी विल बी 5.7 billion US dollar industry by 2021. You will see an increase in the use of augmented reality mobile apps and devices. The use of such app will provide mobile marketers with analytics that they don't have access to now. This is one trend that will reshape how you do mobile marketing. So, ye ek tool hai jisko marketers use kar sakte hai. Ek aisa environment jise ab kya hota hai, सपोज कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उनको फिजिकली आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को. तो आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसको बाय करें, उसको खरीदे कि ना खरीदे. तो अभी क्या है वो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी. मतलब कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पर आप उसको फिजिकली तो नहीं, लेकिन हाँ वर्चुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि आप जो है उसको रियलिटी की मतलब कि एक्चुअल एनवायरनमेंट की तरह आप उसको महसूस कर सके. जैसे एक होता 360 डिग्री जो वीडियोस होते हैं, उसमें क्या है आप उस जगह पर गए नहीं, लेकिन आप उसको उसी तरह से महसूस कर सकते हैं जब आप जाते हो उस जगह पे. ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोडक्ट को जैसे कार मैन्युफैक्चरर ये चीज यूज करते हैं 360 डिग्री जो वीडियोस देते हैं, जिससे कि हर एंगल से हर तरह से आप उस व्हीकल को उस कार को आप देख सको और डिसीजन ले सकते हो कि उसको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है. ठीक है, मोबाइल वीडियोस. ठीक है, ये भी एक टूल है. कंटेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस विल गेट मोर सोफिस्टिकेटेड स्पेशली मोबाइल वीडियोस. ई मार्केटर्स रिपोर्टेड दैट वीडियो एड स्पेंडिंग फॉर मोबाइल क्रॉस्ड 10 billion US dollar इन 2019. लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग इज एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर अलोंग विद 360 वीडियो एक्सपीरियंस. ठीक है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी में भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, मोबाइल वीडियोस में भी, दोनों जगह ये एग्जांपल चल जाएगा 360 डिग्री. मोबाइल वीडियोस विल इवॉल्व एंड द बिग ब्रांड लाइक गूगल एंड फेसबुक विल टेक देयर वीडियो एक्सपीरियंस फॉर मोबाइल यूजर्स टू अनदर लेवल एज मोर यूजर्स विल एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम देयर मोबाइल डिवाइसेस देन फ्रॉम डेस्कटॉप्स. This is why mobile video market is expected to reach 13 billion US dollar by 2020. यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अभी लोग जो है डेस्कटॉप पे या फिर जो दूसरी वेबसाइट है उनसे ज्यादा वीडियोस किधर देख रहे हैं, मोबाइल पर वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं, उधर ज्यादा लोग इन्वॉल्व है. तो इसीलिए अभी मार्केटर्स का क्या काम है कि भाई उस पर ज्यादा फोकस करें, जो भी मोबाइल पे वीडियोस जो शेयर किए जा रहे हैं उस तरह के वीडियो बनाए जो मोबाइल पर एक्सेस आसानी से किए जा सके, मोबाइल पर प्ले हो सके. ठीक है, बाकी कैसे वो मेरे ख्याल से आप लोगों सभी को पता होगा, मोबाइल
पर वीडियोस, कौन कौन सी वेबसाइट है, किस तरह से प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब है, यूट्यूब ने क्या किया अपना एक ऐप भी बनाया है, तो आप ऐप के थ्रू भी वीडियोस उधर देख सकते हो। डेस्कटॉप पे भी क्यों बनाया कि जिससे कि मोबाइल पर आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके, ठीक है। इसके बाद मोबाइल ओनली सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया कुछ ऐसे सोशल मीडिया जिसको आप मोबाइल पर ही केवल एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि जैसे इंस्टाग्राम पहले था ऐसा, अभी तो नहीं है, अभी तो आप उसको डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, वहाँ भी देख सकते हो। और सोशल मीडिया व्हाट्सएप ऐसी चीज है, उसको भी आप मोबाइल पर एक्सेस कर सकते, सॉरी डेस्कटॉप पे आप कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ठीक है, इस ये एक ऐसा सोशल मीडिया जब इन्होंने स्टार्ट किया तो वो मोबाइल ओनली, केवल मोबाइल पर आप उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अभी लोगों ने अभी इसको अभी जो है क्या किया, अभी आप इसको वेबसाइट पे भी, सॉरी डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। स्टेटिस्टिक्स शोज दैट इंस्टाग्राम यूजर्स ग्रो बाय 50% मंथ आफ्टर मंथ, दिस मीन्स लॉट फॉर मार्केटर्स, पीपल आर इन लव। यहाँ पे जो है ये लोग बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, इंस्टाग्राम को आप डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। मगर जब स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम या जब स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप, तो वो लोग इस तरह से उन्होंने बनाया था कि केवल जो मोबाइल यूजर्स है उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने बना रखा था। और ज्यादातर हम लोग ये सारे ऐप हम लोग ज्यादातर मोबाइल पर ही एक्सेस करते हैं, डेस्कटॉप पे शायद ही कभी कभार कर लेते हो, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको यूज मोबाइल पर ही करते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका हो सकता है, इस यहाँ से भी इन ऐप के थ्रू भी आप प्रमोशन मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो मेरे ख्याल से सबको इसके बारे में पता ही होगा, तो आप लोग यूज भी करते होंगे, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया या सीरी हो गया, ठीक है। ये जो एप्स हैं सीरी एप्स लाइक सीरी, गूगल नाउ के बारे में अभी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, मेरे ख्याल से गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। तो वो है AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारे ऐप्स हैं जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स इट पॉसिबल फॉर मशीन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब वो ऐसी मशीन या ऐसे टेक्नोलॉजी जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे और आगे डिसीजन उस उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ले, ठीक है। जैसे कि अभी इसका कैसे एक मार्केटर कैसे यूज कर सकता है, मतलब कि एक ऐसा उन्होंने टेक्नोलॉजी सपोज एक को यूज किया जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी वो एक टेक्नोलॉजी है उसने उस इंडिविजुअल के लाइक्स डिसलाइक्स इन सबको एनालाइज किया, उनको देखा, उसके बेसिस पे उसने उस इंडिविजुअल को सजेस्ट किया कि हाँ आपको इस तरह के प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको इस तरह से इन जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर एक सिस्टम, एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे, ठीक है। इट पॉसिबल फॉर मशीन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू इनपुट एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क, ठीक है। जैसे हम लोग अब टास्क करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे जो फ्यूचर में फ्यूचर वाले डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह से जब एक मशीन काम करती है दैट मशीन विल बी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अ फेयरली डिसेंट नंबर ऑफ मोबाइल एप्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस विल अ कॉमन ट्रेंड इन कमिंग ईयर्स। अभी तो बहुत यूज कर रहे हैं, हर एक इक्विपमेंट्स में, हर एक आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, हर तरह के प्रोडक्ट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी अ कॉमन ट्रेंड, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्स विल बी नेक्स्ट बिग थिंग्स फॉर मोबाइल मार्केटर्स। थिंक ऑफ एन ऐप दैट फाइंड्स स्टोर्स एंड सजेस्ट People, product based on the interest and buying pattern, ठीक है। वो कैसे हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया कैसे वो suggest करते हैं, जो भी apps है वो, suppose मैंने mobile पर है app, ठीक है,
उसने क्या वहां से इतना सारा डेटा है वहां पर, तो उस ऐप के ने अभी आपके जो भी लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उसके बेसिस पे आपको बताया कि हाँ आपको इस तरह के प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको इस तरह से यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐप लाइक सीरी, गूगल नाउ, तो ये सारे ऐप हैं जिनके थ्रू, जिनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल रीमार्केटिंग रिसर्च शोज दैट ओनली 6% ऑफ पीपल यूज एन ऐप आफ्टर 30 डेज ऑफ इंस्टॉलिंग। अभी एक ये प्रॉब्लम होती है मोबाइल एप्स में कि लोग ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक आप लोगों को रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपका ऐप में कुछ भी, अगर कोई भी मोबाइल ऐप है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई या कोई इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो आप उसको अनइंस्टॉल कर देते, तो ये एक इशू है। रिसर्च शोज दैट 6% ऑफ पीपल यूज एन ऐप आफ्टर 30 डेज ऑफ इंस्टॉलिंग, ठीक है। दिस हैपेंस टू बी मेजर चैलेंज फॉर मोबाइल मार्केटर्स, तो केवल 6% लोग जो है आफ्टर 30 डेज उस मोबाइल ऐप को यूज करते हैं, बाकी 94% उसको यूज करना बंद कर देते हैं आफ्टर 30 डेज। इट इज देयरफॉर एक्सपेक्टेड दैट मोबाइल रीमार्केटिंग विल बी अ मेजर ट्रेंड इन 2021। मार्केटर्स विल हैव टू गेट इन टच विद देयर कस्टमर्स थ्रू मोबाइल एड्स टू पर्सुएड देम टू कम बैक एंड और टू यूज ऐप ब्रांड्स, एंड मार्केटर्स विल स्पेंड मोर ऑन ऐप ऐप रीमार्केटिंग इन 2021। मतलब ये आप बोल रहे हैं कि भाई आपको मार्केटिंग ने रीमार्केटिंग करनी है कि जो कि आपकी कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया और फिर वो वापस यूज नहीं कर रहे या अनइंस्टॉल कर लिया, तो उनको रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा जिससे कि लोग कंटिन्यूअसली उसको यूज करते रहे, ठीक है। टू मेक श्योर दैट कस्टमर डोंट स्टॉप यूजिंग देयर ऐप अगेन, ठीक है, उसको स्टॉप ना करें, उसको वो यूज करते रहे। तो तरह तरह के प्रमोशन करते हैं, इस तरह से कूपन्स और ये सारी चीजें निकालते रहते हैं जिससे कि लोग उसको बंद ना करें ऐप को यूज करना। ब्रांड्स एंड मार्केटर्स विल स्पेंड मोर ऑन ऐप रीमार्केटिंग इन 2021 टू मेक श्योर दैट देयर कस्टमर डोंट स्टॉप यूजिंग देयर ऐप्स। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, मोबाइल मार्केटिंग ट्रेंड्स फॉर 2021। अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि 2021 तक कितना आपका जो एक मोबाइल मार्केट जो भी मोबाइल मार्केटिंग जो ट्रेंड्स हैं, मतलब कि प्रिडिक्शंस हैं कि वो मार्केट कितना ज्यादा ग्रो कर जाएगी। तो द मोबाइल ऐप रेवेन्यू इज प्रिडिक्टेड टू रीच $100 billion in 2021, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देर विल बी 250 billion मोबाइल ऐप डाउनलोड्स इन 2021, विच वॉज 200 billion इन 2019, जो कि 2019 में 200 billion थी, अभी 2021 तक वो 250 billion हो जाएगी। मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल ऐप डाउनलोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस विल फोर्स बिजनेस टू स्टार्ट यूजिंग मोबाइल ऐप्स, मोर एंड मोर बिजनेसेस विल क्रिएट ऐप्स टू इंक्रीज सेल्स एंड एंगेज विद देयर कस्टमर्स एट अ पर्सनल लेवल। तो अभी क्या है, अभी आप मोबाइल मार्केटिंग के सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी सारे लोग, इतने सारे लोग उधर हैं, इतने सारे लोग जो है मोबाइल पर अवेलेबल हैं और आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, एक मार्केटर के लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव कर पाना बिना मोबाइल ऐप्स के। मोबाइल ऐप डाउनलोड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। दिस मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन एन नेटिव ऐप वोंट बी वेस्टेड। अभी अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर तो अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 40 50
40-45% जो पॉपुलेशन है वही केवल स्मार्टफोन्स यूज या मोबाइल यूज कर रहे होंगे या फिर स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। तो अभी बहुत सारी बहुत एक बहुत बड़ा पार्ट जो पॉपुलेशन का है वो नहीं यूज कर रहा है, तो ये मतलब फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो लोग यूज करें। तो अभी इंडियन जो मार्केट है यहाँ पर बिना मोबाइल ऐप के या बिना मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट के फ्यूचर में सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ वीडियोस हैं, मैं अभी इसको बाद में मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है अभी मैं कर देता हूँ। इस बीच में कुछ वीडियोस थे, हाँ लिंक में शेयर कर रहा हूँ, पहले वो जरूरी काम है वरना अटेंडेंस नहीं हो पाएगी आप लोग। चलो फटाफट इस अटेंडेंस दे दूँ। लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप लोग उधर अटेंडेंस दे दो, बाकी मैं वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ। टाइम तो बचाने में है।